बेरिया प्रखंड के बगही बगम्बरपुर पंचायत के भावी युवा मुखिया प्रत्याशी अनिल कुमार ने अपने क्षेत्र में समस्त जनता को होली, रामनवमी एवं शबे बारात की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। अनिल कुमार ने बताया कि अगर इस पंचायत की जनता इस बार हमें सहयोग देकर अपना मुखिया बनाती है तो मैं इस पंचायत में जितने भी भ्रष्टाचार जैसे आवास में रिश्वत, वृद्धा पेंशन आदि जितने भी तरह के भ्रष्टाचार मचा हुआ है उन सब पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के एक सुंदर पंचायत बनाने का प्रयास करूंगा। वही इस पंचायत की तमाम ग्रामीण जनता ने बताया कि अनिल कुमार हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलकर काम करते हैं, इसलिए इस बार अनिल कुमार को ही सेवा करने का मौका देंगे। ग्रामीण जनता ने यह भी बताया कि कोरोना जैसी महामारी में अपने निजी पैसे से मास्क, साबुन तथा राशन से लेकर कई तरह से अपने पंचायत के तमाम जनता की मदद की है। वही मौके पर तमाम ग्रामीण जनता उपस्थित रही। नमस्कार, मैं राकेश सिंह, आप देख रहे हैं R9 भारत। मैं इस वक्त पहुंचा हूं बैरिया प्रखंड के बगही बगम्बरपुर पंचायत में। यहां हम पहुंचे हैं एक युवा भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, इसी बीच अनिल कुमार जी से हमें मुलाकात हुआ। आइए, यहां कुछ ग्रामीण जनता उपस्थित है, यहां युवा साथी भी उपस्थित है। यहां के ग्रामीण जनता से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा प्रत्याशी है, यहां की जनता भी है, युवा प्रत्याशी को आप कैसे देखना चाहते हैं। आइए, यहां कुछ लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार चौधरी। आप युवा है, इस पंचायत में एक युवा प्रत्याशी पिछले बार भी लड़ रहे थे और इस बार भी लड़ रहे हैं, क्या उसे कैसे देखते हैं उनके? देखिए, आज का दौर युवाओं का है। मेरा सोच है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, सबका साथ लेकर चलने वाला युवा हो, मेरा सपोर्ट उसी को। युवा का सपोर्ट करेंगे? जी जी, मैं अनिल कुमार साथ जी के साथ हूँ। उनके लिए मैं खुद वोट भी मांगूंगा घूम घूम कर। मेरे तरह से जितना भी संभव हो सकेगा मैं वो सब करूंगा, क्योंकि चुनाव उनको जिताएंगे, मेरा पंचायत का विकास हो, मेरा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। उन पे विश्वास कर सकते हैं कि विकास करेंगे? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, वो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राघव प्रसाद कुशवाहा। आपके क्षेत्र में जो युवा प्रत्याशी आए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेन चक्कर तो ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होती है और लोग जीत करके अपने घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये शिक्षित हैं अनिल जी और पढ़े लिखे भी हैं, तो मान लीजिए कि इनका नया खून है, इनको एक बार मौका दिया जाए, तो हम लोग सब लोग राय विचार कर लिए हैं कि इस बार अनिल जी को ही जिताया जाए, तो के क्षेत्र का और पंचायत का विकास हो, नाली रोड बने और कल का भी व्यवस्था हो। लोगों का घर पर बहुत दिक्कत हो रहा है इस लॉकडाउन में, जितना हम लोगों के भाइयों को आने में, हम लोगों के गांव के लोगों को आने में जितना कष्ट हुई है, यहीं अनिल शाह जी ने हम लोगों को बहुत मदद किए हैं। यहीं पहले का जो मुखिया अभी फिलहाल जो मुखिया हैं सब लॉकडाउन के नाम पे पूरा पैसा लेकर के चोट मचोट कर लिए और लोग ना गुमराह किए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसमें है और नया खून है, थोड़ा एक बार इनको भी हम लोग राय बना लिए हैं। कृष्ण कुमार यादव, आपके क्षेत्र में युवा प्रत्याशी आए हैं, जी, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, युवा है, वो शिक्षित है, वो काम करेंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हाँ काम करेंगे, हम लोग का पूरा सहयोग है कि जहाँ ऊँची जाएंगे तो आगे चलकर काम करेंगे। बस 5 साल हम लोग देख लिए हैं, जो मुखिया है उनको 5 साल हम लोग देख लिए, अब यही है बदलाव चाहते हैं हम लोग। युवा है, काम करेंगे, विश्वास है उनके, पूरा एकदम विश्वास है, ये काम करेंगे एकदम पूरा तरह से। आपके पंचायत में युवा प्रत्याशी आए हैं, मुखिया प्रत्याशी, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, युवाओं जो है देश के विकास के लिए अनिवार्य है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होगा तब विकास होगा, पुरातन काल को हटाना पड़ेगा और नए सिरे से नवयुवक को जिताना पड़ेगा। जीतेंगे तो विकास करेंगे? हाँ, एकदम विकास करेंगे। अभी चल रहा है आपको डिजिटल इंडिया, इसमें जो है जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे वही डिजिटल इंडिया के बारे में अच्छी तरह समझेंगे, और जो अनिल जी है वो ग्रेजुएशन पास भी हैं और इस चीज़ को भली बात समझते भी हैं, तो इसीलिए हम लोग उनका भी सपोर्ट करेंगे। हरिंदर साह, आपके बगही बगम्बरपुर पंचायत में एक युवा प्रत्याशी आए हैं, हाँ। आपके पुत्र समान है, हाँ हाँ। उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, हमारा काम भी कर रहे हैं, जो हम लोग बाहर से आए हैं वो हमको किराया भाड़ा दे करके बुलाए हैं, आजकल भी हम बहुत उससे साथ में हैं, हम लोग अच्छे से चल रहे हैं। हम बाहर से जब आ रहे हैं तो हमारे को किराया दिए हैं, किराया करके ब्लॉक में रखे, उसको हमको बहुत से सुरक्षित रखे, उसके बाद में खान पान भी दिए, घर पर पे आए मुखिया रह करके, जो मुखिया कुछ भी नहीं किया, ये पहले साल हार गए हैं, तभी आज काल भी बहुत हम लोग का साथ में चल रहे हैं और हम लोग का देखभाल कर रहे हैं। क्या आपके लिए कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए है, वो ये मुखिया रह करके ना ही कुछ किए, तभी हमारे को बहुत साथ में चल रहे हैं।
नहीं जीते हैं पद पर नहीं है तब मदद कर रहे हैं ग्रामीण, नहीं नहीं जीते हैं तभी तो भी मदद करेंगे, मदद करेंगे और मदद करेंगे, जीतने के बाद में और भी मदद करेंगे। जो रास्ते धोकर जा रहे थे किसी दूसरे गांव में जा रहे थे, इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं कि आपके क्षेत्र में जो युवा प्रत्याशी आए हैं अनिल कुमार जी, उसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? सबसे अच्छा रहेगा वो जी, बहुत अच्छा है ना, मुखिया के पास आशी वो बहुत सही है ना, ये कोरोना काल में भी काम किया है, कोरोना काल में भी मदद किए हैं, बहुत मदद किए हैं, जीतने के बाद कुछ विश्वास हो रहा है आप? हाँ बहुत विश्वास है जी, वो काम बहुत करेंगे, जीतने के बाद उनको साथ हैं, कभी उसे पीछे नहीं हटेंगे, उनको साथ हम कभी रहेंगे। यदि जनता का आशीर्वाद रहेगा, यदि हम जीत जाएंगे तो जितना भी इंदिरावास मनरेगा बूढ़ा पेंशन में जितना भी मतलब करप्शन हो रहा है, घुस लिया जा रहा है, उसको हम नहीं लेने देंगे और सर्वांगिक जनता का विकास करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे, सबको साथ लेकर सबका विकास करेंगे। मेरा नाम है बगई बगई पंचायत के, हम वार्ड नंबर 2 से हैं। आपके क्षेत्र में एक युवा प्रत्याशी आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, विकास करेंगे कि क्या करेंगे बताइए कुछ? तो मैंने समझिए कि जुआ है और मैंने नया चेहरा है, अच्छा है, पहले भी चुनाव लड़े थे, अभी भी लड़ रहे हैं और हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, अच्छा है, विकास करेंगे, शिक्षित हैं, उनके पास मैंने ये है कि सबके साथ चलने वाले हैं, तो हम उन्हीं के विकास साथ चलाएंगे, विश्वास है कि विकास करेंगे? हाँ पूर्ण विश्वास है। यादव आपके क्षेत्र में युवा प्रत्याशी आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हम के सपोर्टर बनी से हूँ अनिल, मैं उनका के जिताए इंसान विकास करो, हमने के सब कुछ सहमत लगौले बनी से जी उनके को वोट दिया, उम्मीद हाँ कुछ हाँ करेंगे तो करिए ना, जब जिताए से तो हमने के उम्मीद करिए ना, विश्वास है आपके अंदर? हाँ हाँ जीतने के बाद विकास करेंगे? हाँ जीतने तो विकास करिए ना, उसके बारे में कुछ बताइए। अब अच्छा प्रत्याशी है, अच्छा काम करेंगे, नए हैं, पढ़ा लिखा है, हम लोग उसी को सपोर्ट देंगे, ये अच्छा काम करने वाला है, आचरण का सही है। हाँ। जितने के बाद वो विकास करेंगे विश्वास बहुत, है? बहुत हम लोग को विश्वास है, अच्छा काम करेंगे जी, हम लोग सपोर्ट है। आपके बगही बघमपुर पंचायत में युवा प्रत्याशी आए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप भी युवा है। हम भी युवा हैं और जो युवा है ना वो मतलब पढ़े लिखे भी है और हम लोग के साथ में हर कदम मतलब साथ में रहते हैं, तो मतलब उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब बाद में कुछ दिक्कत नहीं हो, मानते हैं अभी यहाँ नेता जो प्रत्याशी हो रहा है सब मतलब अपने पेट मतलब खुला रहा है, उसे किसी के बारे में नहीं सोच रहा, और ये जो है ना दिन रात मतलब हम लोग साथ में रहते हैं 24 घंटा, मतलब जब भी संभव मतलब होता है ना तो हम लोग साथ में खड़ा रहते हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट है। R9 भारत के लिए प्रदीप कुमार के साथ अविनाश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट, बेतिया।